दोस्तों, आज मैं एक मिक्सचर ग्राइंडर का वीडियो लेकर आया हूँ। यह उषा कंपनी का स्मैश मॉडल है। इसका प्रॉब्लम है, ये डेथ है, ये देखिए, ये चल नहीं रहा है। इसे हमको ठीक करना है। अब प्रैक्टिकल देखिएगा कैसे ठीक होता है। सबसे पहले इसका स्क्रू खोल के इसका कवर निकालना है। यह रीसेट स्विच। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रिक देके देखना है कि एसी लाइन आ रहा है कि नहीं। हम एक हाथ से काम कर रहे हैं और एक हाथ से वीडियो कर रहे हैं मोबाइल से, इसलिए ज़रा दिक्कत हो रहे हैं। ठीक है, एसी 220 आ रहे हैं। इसके बाद ओवरलोड स्विच का दूसरे सिरे में देखना है, वहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये लाइट के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 219 वोल्ट है। मतलब वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। अब इसका दोनों साइड का कार्बन है चेक करना है। अगर कार्बन सही है तो इसका जो कॉयल है, इस कॉयल को कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा मीटर से। कंटिन्यूटी ठीक है तो इसका जो आयर वगैरह यहाँ पे ओवरलोड स्विच पे और रोटरी स्विच पे लगा हुआ है, उसको अच्छी तरह से खोल के चाकू से छील के फिर न करके लगाना है। ये देखिए, पहले इसको सीरीज में चेक करना है, फिर डायरेक्ट लोड देंगे। दोस्तों, मेरे ये वीडियो अगर आप लोग पसंद या कोई काम की आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का दबाना, क्योंकि अगला जितने वीडियो आएगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए, इसलिए। ये देखिए, ये आप चल रहे हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।